हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपन ग्रुप ऑफ स्कूल्स। माय नेम इज़ बसंती रावत, स्टैंडर्ड फर्स्ट, इंग्लिश वन, चैप्टर 9, पार्ट 2, आनंद इज रेमबो। हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो आनंद इज रेमबो। रेमबो का मतलब होता है, जो आप इंद्रधनुष देखते हो उसे क्या कहते हैं? रेमबो। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। बारिश कहाँ हो रही थी? तो बाहर बारिश हो रही थी। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, रेनिंग मीन्स बारिश। तो बारिश कहाँ हो रही थी? तो आउटसाइड, बाहर की तरफ बारिश हो रही थी। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप। आनंदी घोर निंद्रा में लिखवा है ना, मतलब घोर नींद में थी वो। ड्रीमिंग ऑफ रेमबोज, एकदम नींद में थी वो। और नींद में क्या देख रही थी? तो वो सपना देख रही थी। तो किसका सपना देख रही थी? तो रेमबो का सपना देख रही थी। सी वॉक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। और वो उठकर कहाँ गई? तो विंडो के पास गई। कहाँ गई वो? विंडो के पास गई। देयर वॉज अ हूज ब्राइट रेमबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। उसने विंडो के बाहर क्या देखा? खिड़की के बाहर तो रेमबो उसे दिखाई दिया, वो भी क्लियर और चमकदार। आनंद इज रन आउट टू द गार्डन विथ मिली हर फेवरेट कैट। आनंदी क्या हुई? गार्डन की तरफ बाहर गई दौड़कर। और उसकी जो फ्रेंड थी उसका नाम क्या था? तो मिली। उसकी फ्रेंड का नाम क्या था? मिली। तो वो कहाँ गई दौड़ते हुए? गार्डन में। आनंद इज लव टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी को पेंट और ड्रॉ करना बहुत ही पसंद था। टूडे सी वॉन्टेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेमबो। उसने क्या किया? गार्डन में जाकर रेमबो जैसे कलर करने की उसने सोची कि मैं गार्डन में जाके जितनी भी फ्लावर है उन फ्लावर पर रेमबो के कलर करूँगी। सी कलर्ड वन फ्लावर विद द वायलेट। और उसने क्या किया? जो वन फ्लावर है उसमें वायलेट का कलर किया। एंड अनोदर विद द इंडिगो ऑफ द रेमबो। और उसने दूसरे फ्लावर में इंडिगो कलर किया, जो रेमबो में भी होता है। वन विद द ब्लू एंड द लीव्स विद द ग्रीन। और उसने क्या किया? दूसरे फ्लावर में ब्लू कलर किया और पत्ते पे ग्रीन कलर किया। वन विद द ऑरेंज और दूसरे में उसने ऑरेंज कलर किया। वन विद द रेड और दूसरे फ्लावर में रेड कलर किया। बट सी लेफ्ट द येल्लो। लेकिन उसने कोई भी फ्लावर में येल्लो कलर नहीं किया। सो दैट द सन मे लुक ब्राइट एंड गे। क्यों नहीं किया? क्योंकि सन कैसे होता है? तो येल्लो कलर का। वो कैसा था? चमकीला। गे मतलब मुस्कुराता हुआ। इसीलिए उसने नहीं किया, क्योंकि सन का कलर येल्लो था। एंड लो देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। और उसने देखा कि सारे गार्डन के फ्लावर में उसने जो कलर किए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येल्लो ग्लोरी। और जो सन था वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। After giving colors to the flowers and the sun, the rainbow was gone. जब उसने पूरे कलर कर दिए, उसके बाद जो रेमबो था वो चला गया। हमें क्या करना है? न्यू वर्ड्स करने हैं, जैसे कि ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। फेवरेट, FAVO
यू आर आई टी ई फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई फेवरेट। इंडिगो, आई एन डी आई जी ओ इंडिगो। इनसाइट, आई एन एस आई डी ई इनसाइट। आउटसाइट, ओ यू टी आउट और एस आई टी साइट आउटसाइट। रैम्बो, आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू रैम्बो। वायलेट, वी आई ओ एल ई टी वायलेट। और रैम्बो हैज अ सेवन कलर्स। रैम्बो में कितने कलर्स होते हैं? तो रैम्बो में सेवन कलर होते हैं। तो आपने देखा रैम्बो कब आता है? तो रैम्बो बारिश में। और रैम्बो जब आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर और कलरफुल दिखाई देता है। तो कितने हैं रैम्बो में कलर? तो रैम्बो हैज अ सेवन कलर्स। और रैम्बो हैज अ सेवन कलर्स, ये ध्यान देना। और देखो जो उसने यहाँ कलर जो किया है कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है। और उसके साथ जो है वो कौन है? तो मिली है। उसका नाम क्या है? मिली है। वो आनंदी की फ्रेंड है। तो यहाँ हमारा क्या होता है, ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।